ओए ओए ओ ओ भाई आराम से बैठ जा, छाया में बैठ जाना, उस तरफ बैठ जा छाया में। यहाँ सुबह सुबह कांड भाई, एक बार पहले बचे थे और बाइक की बाइक पेट्रोल का टैंकी आई थिंक निकल गया है, स्मेल मार रहा है। इसको ऑफ कर दो नीचे से। भाई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ भाई। और दोस्तों क्या हालचाल, आशा सब बढ़िया होंगे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो अभी फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ सौरभन विहार की साइड, और कुणाल भी आ चुका है, चपाटी की तरफ पहुँच चुका है। और आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है गाइस, धूप बढ़ ज़्यादा, और आप देख सकते हो पहाड़ों के ऊपर व्यू क्या मस्त है यार, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है यार सुबह सुबह ही। बैल भाई कोई भरोसा नहीं होता इनका। लड़की के पीछे पड़ा हुआ है गाइस बैल। गाइस अभी मोड़ जो है सुपर व्यू मोड़ पे रखा हुआ है मैंने, होप सो अच्छा लग रहा हो आपको व्यू एंगल जो है कैमरे का। तो आज का ब्लॉग कैसा रहेगा देखते हैं, और अच्छा रहा तो डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। कुछ बंदे आ रहे हैं सुजानपुर से, तो देखते हैं कैसा रहता है आज का ब्लॉग। तो अभी कुणाल यहीं पे खड़ा होगा कहीं पे, वो रहा सामने। चलो मिलते हैं बंदों से। और कुणाल क्या हाल है? बस बढ़िया, बाकी जा रहे हैं। अच्छा तो हम चलते हैं आगे, रुकते हैं कहीं उधर, रुकते नीचे बन। हाँ हाँ सौरभ बन भी आ रहा, ऊपर चलते हैं व्यू वगैरह दिखाते हैं ऊपर से, ऊपर से भी नीचे आ जाते हैं, फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे, फिर वो हो जाएगा हमारा। तो गाइस अभी हम जाएंगे सौरभ बनवार से ऊपर से ऊपर की तरफ, तो काफ़ी अच्छा व्यू है वहाँ से। धक्का देना पड़ रहा है यार, स्टार्ट नहीं हो रही है क्या हुआ? बिल्ले भाई पर देख के भाई, खाली रोड पे मारो तो अच्छा है भाई साहब। ये अपनी प्यारी सी लोकेशन और प्यारा प्यारा सा व्यू आप देख सकते हो, क्या मस्त है यार। तो यहाँ पे आने का मन सबसे ज़्यादा करता है सौरभन विहार साइड, और आता रहता हूँ बीच बीच में, बट मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ उतना। ओ भाई को देखो भाई, हाँ हैंडलिंग कैसे हो रही है। ओ अगे दिख सामने ठुक मत जाइयो। ओ भाई ठुक गए थे अभी। कर दिया था अभी भाई आपने, देख लिया करो एक बार पीछे यार, अभी ठुक गए थे भाई कुणाल भाई, बार बार बचे हैं भाई क्रैश होते, क्या यार। किस्मत अच्छी थी बच गए, ये था सडनली ब्रेक लगाने का नतीजा। सडनली ब्रेक वैसे किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, तेरी बच गया, बच गए दोनों, दोनों बच गए, तू जाना साथ में। चलो चलते हैं ना। ए बिल्ली भाई ओपे तो भाई बार बार बचे गाइस यार,
सुबह सुबह कांड हो जाता नहीं तो भाई राइड में। ओहो स्टॉपी बिल्ली, क्या करना है? स्टॉपी भाई यहाँ से जाएंगे ना ऊपर की तरफ, और आगे जाके ऊपर से ना व्यू काफी अच्छा आता है, वहां चलते हैं है ना। जन्नत की तरह व्यू है गाइस। गाइस इस रोड पे लीनिंग देखो भाई की, भाई क्या जबरदस्त लीनिंग है, और काफी ज्यादा मजा आता है इस रोड पे लीनिंग करने का। अब देखते हैं मोड़ काफी ज्यादा है, पूरा मोड़ है जीपी की तरह रोड है, बट सिंगल रोड है, आराम से चलना पड़ेगा। अपना देख सकते हो गाइस फ्यूल कितना कम है भाई, चेकआउट कीजिए गाइस एक बार यहाँ से, क्या नज़ारे हैं यार। अभी हम आगे लोकेशन में पहुँचते हैं गाइस, फिर वहाँ पे मिलते हैं आपको, हर कुछ व्यू आता है वहाँ से। खड़े होके भाई मजे ले रहे हैं पूरे भाई, कुणाल भाई का देखो यार फुल मजे। भाई लीनिंग का मजा ही क्या आएगा यार, रोड भी देखो गाइस किस तरह से बना हुआ है, मक्खन की तरह है। ओए ओए ओ ओ भाई, ओए ओए ओ ओ भाई, ओए ओए ओ ओ भाई यार क्या खतरनाक ही क्रैश हुआ यार भाई, भाई यार भाई आराम से आराम से, लगी तो नहीं, आराम से पहले बैठ जा यार, चल गया पीछे से पूरा, आराम से बैठ जा, छाया में बैठ जाना, उस तरफ बैठ जा छाया में यार। सुबह सुबह कांड भाई, एक बार पहले बचे थे और बाइक की बाइक पेट्रोल का टैंकी आई थिंक निकल गया है, स्मेल मार रहा है, इसको ऑफ कर दो एक से। भाई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ भाई का, क्रैश भाई, आप चेक कर लो पहले। बाइक तो बन जाएगी भाई, पर पहले खुद का ध्यान देख, बाजू में लगी और बाकी देख ले यार, चेक चुक कर ले, बैक बुक देख ले अपनी, यार वहाँ से ना एकदम से तेरा बैलेंस हुआ ऑफ, यहाँ पे मेरा आगे बड़ा स्लिप हो गया, फिर दिमाग से किधर आकर स्लिप हुआ घास में आकर, मेरे को यहाँ पड़ गया पता नहीं कहाँ गिरा था यार, खतरनाक ही, यही सोच गया था मैं गया आगे जाकर भाई, खतरनाक ही क्रैश हुआ अभी, और भाई को बाजू में लगी है ना देख सकते हो ये, और कहीं तो लगी पीठ मारे, चेक कर ले एक बार, बस मैं यही घास में गिरा तो बचा नहीं, बाकी घास में गिरे थे अगर रोड पे गिरते तो काफी ज्यादा लगते यार, बस पत्थर से यार पता क्या चला इसने ना पीछे सिर पे उल्टा जंप मार दिया एकदम सब दुकान तो। भाई यार आराम से चला आज यार, तेरे तो कुछ दिन खराब ही है आज तेरा यार, आज दिन बड़ा खराब है इसका, ये भी गया आगे का देख सकते हो गाइस, ये पूरा फेंडर चला गया आगे का, मडगार्ड काटना पड़ेगा यहां से, गार्ड पूरी बननी है इसकी, और थोड़े से स्क्रैचेस पड़ गए हैं हेडलाइट पे, बाकी कुछ नहीं है इसका, पेट्रोल चेक करना पड़ेगा यार, स्मेल मार रहा था मेरे हाथ में भी लगा था, बाकी ठीक है गाइस, लेग गार्ड सेफ है इसके, बस मड गार्ड गया हुआ और स्क्रैचेस पड़े हैं भाई, सेफ है भाई, बाकी कुछ नहीं, बाइक तो बन जाएगी, बंदा सेफ रहना चाहिए भाई,
यार क्या बोले, ऐसे देख के ना राइड का थोड़ा मन, ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है मेरा। खतरनाक ही क्रैश हुआ भाई का भी, पहले ऊपर बच्चे थे अब फिर भाई खतरनाक ही क्रैश हो गया भाई का। पर चलो सेव है भाई, थोड़ा बाजू में लगी है, बाकी घास में गिरे थे भाई। तो गाइस भाई का भी थोड़ा आराम करने देते हैं और मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। अभी ब्लॉग का मन नहीं कर रहा, थोड़ा मूड ऐसे हो गया क्योंकि भाई का क्रैश हुआ, तो मन नहीं कर रहा अभी ब्लॉग बनाने का। अभी बाद में थोड़ी देर बाद देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं बाद में गाइस। तो गाइस नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं भाई को पानी वगैरह पिलाते हैं और थोड़ा मेडिकली ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो गाइस चलते हैं नीचे की तरफ यार, क्या बोल सकते हैं, जाना है जी। चला चला बैठा था, ठीक है ना, पेट तो नहीं हो जा, ठीक है ठीक है। तो गाइस ऐसे हेल्प कर देनी चाहिए किसी को भी, कोई लिफ्ट वगैरह मांगे तो। बट आजकल आपको पता ही है डबल हेलमेट है, तो डबल हेलमेट के चक्कर में ज़्यादा दूर तो नहीं ले जा सकता मैं। वैसे हम नीचे तक ही जाएंगे ब्रिज तक, तो अंकल को वहाँ तक छोड़ देंगे। तो गाइस अभी हम ब्रिज के पास आ गए और अंकल को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। एक्चुअली मैं तो पालमपुरा भी जा नहीं रहा हूँ, बंदों की वेट कर रहे हैं हम इसलिए। तो फिलहाल पहले भाई को पानी वगैरह पिला देते हैं यार, चाचा से पूछते हैं। थोड़ा काफ़ी टाइम लगेगा उनको। चाचा जी पानी बोतल है पीने वाली, दिया वाला एक। सुबह पानी पीने के लिए भाई गिरने के बाद ना बंदा, तो इसने उसको पानी वगैरह पिलाते हैं यार। We'll be right back.